संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है और घटना की निंदा करने के लिए शुक्रवार को काला दिवस और 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की है। हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच झड़प के बीच बुधवार को 22 वर्षीय प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद किसानों ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च 2 दिन के लिए रोक दिया था, जिसे कम से कम 12 अन्य किसान घायल हो गए थे। एसकेएम ने चंडीगढ़ में एक बैठक के बाद कहा कि किसान 26 फरवरी को देश भर के राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे। किसान नेताओं ने पिछले रविवार को चौथे दौर की वार्ता में सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके विरोध फिर से शुरू हो गया। किसान नेताओं में से एक ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने केंद्र से बातचीत के नए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि हमें कल शाम बातचीत का निमंत्रण मिला था, लेकिन हमने इसे अस्वीकार कर दिया। एक तरफ हमारा युवा गोलियां खा रहा है और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि वो बात करना चाहती है। ऐसे माहौल में ये संभव नहीं। हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले सरकार को स्थिति सुधारनी होगी। 13 फरवरी की सुबह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरियाणा पंजाब सीमा और राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश बिंदुओं पर भारी बैरिकेड के बीच अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली चलो मार्च शुरू किया। हालांकि उनमें से अधिकांश को हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक दिया। तब से प्रदर्शनकारी 2 सीमा बिंदुओं पर डटे हुए हैं।